नगर परिषद कालका के पार्षदों की विकास कार्यों को लेकर मीटिंग का आयोजन, स्ट्रीट लाइटों और सड़कों का मुद्दा हावी रहा। नगर परिषद कालका के पार्षदों के साथ परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लंबा की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर परिषद कालका के एक्शन अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वार्ड नंबर 11 के पार्षद समाजसेवी सौरभ गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि मीटिंग में आचार संहिता से पहले रुके हुए विकास कार्यों बारे चर्चा की गई थी, जिसमें नगर परिषद कालका में स्ट्रीट लाइटों की सबसे बड़ी समस्या थी। यहां पर 1500 के करीब स्ट्रीट लाइटें आएंगी जो कि एलईडी लाइटें होंगी, जिसके बाद जल्द ही कालका और पंजोर शहर के वार्डों में स्ट्रीट लाइटों को लगवाने का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसके अलावा वार्डों की सड़कों की रिपेयर या निर्माण कार्य के लिए विभाग को जल्द से जल्द टेंडर लगवाने और ठेकेदारों को जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर देने बारे चर्चा मीटिंग में की गई थी। वार्ड नंबर 11 के युवा पार्षद सौरव गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता हट चुकी है और पहले की मीटिंग के पेंडिंग पड़े कार्यों बारे चर्चा मीटिंग में की गई थी, जिस पर जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। युवा पार्षद और समाजसेवी सौरव गुप्ता ने बताया कि जल्द ही कालका और पंजोर शहर के वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगवाने और सड़कों के रिपेयर और निर्माण कार्य शुरू करवाए जाएंगे। सुनील साहब, आज हमारी एक नगर परिषद के अंदर आपस के अंदर पार्षदों की और चेयरमैन साहब के साथ बैठ के कुछ मीटिंग रही, डिस्कशंस रही, उनके ऊपर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, साथ में हमारे एक्सियन साहब भी रहे। तो हमारे स्ट्रीट लाइट्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है कालका विधानसभा के अंदर, उसके लिए कुछ नई लाइट्स का जो हमारा ऑर्डर हो रखा है पहले से, उसके अंदर लगभग कोई 1200 से 1500 लाइट्स हमारे पास आने वाली हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने अपने एनजीओ के माध्यम से वार्ड नंबर 11 के अंदर काफ़ी स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य किया। तो उस माध्यम से अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स आ रही हैं 1500 के लगभग। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके के विकास कार्य हैं, जैसे कि रोड्स का बनना, रोड्स की रिपेयर के लिए हमने एक टेंडर था जो सेंक्शन करवा रखा था, आचार संहिता के ख़त्म होते ही हमने उसके लिए भी आग्रह किया है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिलकर वो काम भी शुरू हो सके। तो काफ़ी सारे विकास कार्य हैं जो आचार संहिता के कारण रुके थे, पर अब वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू होने वाले हैं।